मैं अपना व्यू देता हूँ, और मैं जो भी व्यू दूंगा ना उसका रीजन दूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। देखिए, एक्सटिंक्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांस है। अब स्ट्रॉन्ग चांस क्यों है, उसका रीजन क्या है? देखिए, पहला क्या रीजन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करोगे ना, सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स की, तो करीब करीब जो है ना 20,000 स्टूडेंट हैं सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में भी और सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स में भी। उसमें से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो चेंज नहीं करना चाहते। वो क्या है, वो हो गया रिजिड। अब रिजिड क्यों है, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में है कि आप पता नहीं कितना अटेम्प्ट लगेगा। अगर मैं ओल्ड, पहले मैं ओल्ड में था, ओल्ड में इतने सारे अटेम्प्ट लगे, 5, 6, 8, 12, 15, 18, तो क्या अगर मैं न्यू में जाऊंगा तो सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वही सब कुछ है। तो फिर उसमें उनको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कि मेरा अभी आपका रिजल्ट मेरा बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, कि मैं कब निकलूंगा न्यू कोर्स में, क्योंकि तो कोर्स भी इतना कम नहीं है न्यू कोर्स का इस वजह से। तो इसलिए वो चेंज नहीं होना चाहते। आईसीएम ने जो भी कट ऑफ डेट निकाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जिसको जो रिजिड है, जिसको चेंज नहीं करना, वो चेंज नहीं करेगा। तो और आप देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात करोगे ना सीए के अंदर, तो वो आपके डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो उस केस में तो आईसीएम तो चाहे ना कि ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट हैं वो चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो अटेम्प्ट तो बढ़ाएगा मे 22 में। तो ये एक रीजन है, सीए फाइनल का रिजल्ट 13 फेब के आसपास आएगा, और सीए आईपीसीसी वालों का जो रिजल्ट है ना वो आएगा आपका 22 फेब के आसपास। जब रिजल्ट आएगा, आप ही समझ लो कि जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी। उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं निकाल पाएंगे, जो कि जिनका नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो आप देखिए 15-20 दिन आपके फॉर्म भरने में, कौन सा ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, इसी चीज़ को डिसाइड करने में ना 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो और 14 मई से आपका पेपर है। आप मुझे ये बताइए, अगर अल्टीमेटली अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो अल्टीमेटली 2 मंथ बचता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, जब जॉब छोड़ेंगे और जब वो पढ़ाई करने जाएंगे और जब पेपर होगा 14 मई से, तो उसमें गैप आपका, आप समझ लो कि 2 महीने के आसपास होगा। क्या 2 महीने में पॉसिबल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 महीने में क्या पॉसिबल है कि हम ओल्ड से न्यू में चेंज भी कर लें, न्यू का सारा कोर्स पढ़ लें, पढ़ने के बाद जो कोर्स है उसको रिवीजन भी कर लें और पेपर में बैठ जाएं और हम पास भी हो जाएं? थोड़ा सा वियर्ड लगता है। सीए फाइनल ओल्ड और सीए आईपीसीसी ओल्ड के जो स्टूडेंट हैं, जब ये मेल करते हैं आईसीआई को ना, तो ये क्या लिख के भेजते हैं, जब ये मेल करते हैं आईसीआई को तो वो क्या लिख के भेजते हैं कि सर क्या एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स? तो फिर वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, जो रिप्लाई आता है ना वो आता है आपका कि एक्सटेंड नहीं होगा, आप चेंज करा दो आपका। मेरे हिसाब से ये है ना कि तरीका ये नहीं होना चाहिए आपको मेल करने का। मेल करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आप उनको क्या मेल करो कि सर जो है ना, जब आपका रिजल्ट जब आएगा ना, जब आपका रिजल्ट आएगा और जब पेपर होगा उसके बीच में गैप जो है ना इतने कम टाइम में ना, मैं ओल्ड से न्यू में चेंज करा लूँ और मैं उसको पढ़ भी लूँ, पेपर में बैठ जाऊँ, तो ये इतना आसान नहीं है। तो आप उनको ये बोलिए ना कि सर जो हम ओल्ड कर रहे थे ना वो हमारा पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको रिविजन करना 2 महीने में आसान होगा। इसलिए आप जो है ओल्ड कोर्स जो है सी ए फाइनल ओल्ड कोर्स और सी आई पी सी ओल्ड कोर्स, उसको एक्सटेंड करिए। अगर आप मेल में अगर इस तरह से लिखोगे ना, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं से कंसिडर करेगी। सारे बच्चे बोलेंगे सर डेट शीट तो आ चुका है, वहाँ तो कोई सी ए आई पी सी सी या फिर सी ए फाइनल ओल्ड कोर्स का तो नाम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई सी आई के लिए पेपर बनाना और सी ए फाइनल और सी आई पी एस सी ओल्ड कोर्स का एग्जाम लेना कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, सारे रिसोर्स हैं उनके पास। तो मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड चांस हैं होने के, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरा नंबर है ये। मिलते हैं।